अगली खबर की ओर। कल बजट पेश होने के बाद कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का बयान बजट पर सामने आया है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि संतुलित बजट पेश किया गया है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी का विजन 2047 तक विकसित भारत बने, उस दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शंभू बॉर्डर पर धरने को लेकर बनवारी लाल बोले कि किसानों का जिस तरह से पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में ध्यान रखा, इतना किसी सरकार ने नहीं रखा। एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं, खेती से संबंधित उपक्रमों में रियायत दी जाती है, देश के पीएम किसान के बारे में सोचते हैं। ये जो कल देश का तीसरा बजट पेश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल का, और इसके अंदर ये संतुलित बजट हम कह सकते हैं, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए एक अच्छा बजट है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत बने, उस विकसित भारत को बनाने में इस बजट की अहम भूमिका रहेगी। सर, किसान आंदोलन का पार्ट 2 भी शुरू होने जा रहा है। 15 अगस्त को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं, कहाँ पेच अभी तक फंसा हुआ है? देखो, किसानों की जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जितना ध्यान रखा गया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा गया। समय समय पर एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में उनकी मदद की जाती है, जो किसान से संबंधित, खेती से संबंधित जो औजार उनमें रियायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, और किसान का जो फसल बीमा के तहत जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, देश के प्रधानमंत्री किसान के बारे में एकदम सोचते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि किसानों का हित इस सरकार में